श्रद्धेय अडवाणी जी, आदरणीय सुरेश जी, महेश चंद्र जी, श्रीमान रामलाल जी, श्रीमान गर्ग जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में ज्यादातर लोग अपना जीवन काल समाप्त होने के बाद विस्मृत हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि यार केदारनाथ जी अक्षर देह लेकर के हमारे बीच फिर एक बार आए हैं। यूं तो लगता है कि ये दो ग्रंथ है जिसमें केदारनाथ जी की जीवन यात्रा है, संघर्ष यात्रा है, विकास यात्रा है, विचार यात्रा है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हम लोगों को लगेगा जैसे मेरा अपना एल्बम है, कहीं न कहीं मेरी भी उसमें तस्वीर है, यहां बैठे हुए हर एक को उसमें लगेगा। इसलिए नहीं कुछ उस फोटो वाली एल्बम है, इसलिए कि कार्यकर्ता के रूप में जो अपने आप को जीता है उसको लगता है कि हां मैं भी ऐसे होता था, मैं भी ऐसा ही करता था। ये निकटता, अपनत्व, ये सहज प्राप्त नहीं होता। एक लंबे कालखंड तक उसको जीना पड़ता है और तब जाकर के हर किसी को उस व्यक्तित्व में स्वयं की छवि नजर आती है। केदारनाथ जी आज जो पाकिस्तान है वहां का भी काम करते थे, एयरफोर्स में जाने का इरादा था लेकिन गाड़ी कहीं और चल पड़ी। तो वो एयरफोर्स तो नहीं रहा, राष्ट्र फोर्स हो गया। आप में से बहुत लोग हैं यहां जिनको मैं देख रहा हूं, सबने कभी न कभी केदारनाथ जी के साथ काम किया है। सार्वजनिक जीवन में हम लोगों को कभी ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात होती है कि सहयोगियों के साथ लंबे अरसे तक काम करना। जब भी दिल्ली जनसंघ या भाजपा का सोचे हम तो लंबे अरसे तक, तीन चार दशक तक, तीन चेहरे लगातार हमारे सामने रहे। केदारनाथ जी, विजय जी, मदनलाल खुराना जी। ये त्रिपुटी थी, यानी कहीं ऑल इंडिया अधिवेशन में जाए तो तीनों साथ ही होते थे। ये सार्वजनिक जीवन में और आज जब इतना प्रतिस्पर्धा का माहौल है उसमें ये दृश्य, संगठन में किस प्रकार से कार्य करना, साथियों के साथ किस प्रकार से तालमेल करना, इसका ये उत्तम उदाहरण है। सहनी जी से मेरा परिचय करीब आपातकाल से शुरू हुआ
और जीवन के आखिरी समय तक चला। देखने से कभी लगता नहीं था कि केदारनाथ जी की मूल प्रवृत्ति चुनौतियों से टकराने की है, ये कभी लगता नहीं था। वो बड़े शांत, चलना भी बहुत धीरे से, कार में बैठेंगे तो दरवाजे की आवाज भी नहीं आती थी, ऐसे दरवाजा बंद होता था। इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन संघर्ष के समय उनकी एक अप्रतिम ऊर्जा प्रकट होती थी। 77 में वो यहां के चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में जब काम देखते थे दिल्ली में, 77-78 में बाढ़ आई, एक बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी बाढ़ थी उस समय। उस समय जो स्वैच्छिक संगठनों को साथ लेकर के शासन व्यवस्था को जोड़ करके जन सामान्य की सुख सुविधा के लिए काम का उन्होंने नेतृत्व किया था और खुद फोरफ्रंट में रहते थे, आज भी उस पीढ़ी के लोग, उस समय के जो अफसर थे सरकार में, अब तो रिटायर्ड हो चुके सारे, उनसे भी ये सुनने को मिलता था, अरे भाई एक सहनी जी थे, जब ऐसी बाढ़ आई थी ऐसे काम करते थे। दूसरा समय जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई और उसके बाद दिल्ली में जो उस प्रकार से मानव संहार चला था, सिखों के परिवार के परिवार की कत्लाम चल रही थी, ऐसे समय कोई डर रखे बिना सिख परिवारों को अपने घर में आश्रय देना, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करके सिख परिवारों की देखभाल करना, इस संघर्ष के समय मैदान में उतर करके केदारनाथ जी ने करके दिखाया। वरना वो माहौल ऐसा था कि बहुत मुश्किल था, सामने प्रवाह में चलना था। उस समय के शासकों का जो माहौल था वो सारा भलीभांति परिचित है, आपातकाल के दिन भी वैसे ही थे। केदारनाथ जी के साथ आपातकाल के समय एक उनके साथी जो काम करते थे, अब तो वो रहे नहीं, राजपाल पुरी जी, बहुत कम लोगों को राजपाल पुरी जी का नाम शायद सुना होगा, अब तो उनका परिवार शायद मुंबई में बसता है। राजपाल पुरी जी भी उस समय विदेश में सब संकलन का काम देखते थे और केदारनाथ जी भी विदेश में संकलन का काम देखते थे। जिस दिन आपातकाल समाप्त हुआ उसी दिन, यानी वो एक प्रकार से देशभक्ति में लीन लोगों के लिए वो इतना बड़ा लोकतंत्र का विजय की इतनी बड़ी वो खबर थी, जब चुनाव में आपातकाल को लाने वाले पराजित हो गए, उस आनंद का असर राजपाल पुरी जी पे ऐसा हुआ उसी दिन उनका स्वर्गवास हो गया, अचानक स्वर्गवास हो गया, इतनी बड़ी लड़ाई लड़े थे वो। केदारनाथ जी और राजपाल पुरी जी एक जोड़ी बनकर के उस समय पूरा संकलन देखते थे, बाकी अनेक लोग थे जो उनके साथ उस समय काम करते थे। केदारनाथ जी को जिन जो भी याद करेगा तो साफ सुथरे कपड़े, बड़े ढंग से, कहीं पर भी कोई इधर उधर कुछ नजर नहीं आ गया, एकदम से परफेक्ट रहते थे। लेकिन उन पार्टी दफ्तर में उनका एक छोटा सा कमरा था, वाला वहीं बैठ जाना, कभी उनके टेबल पे कागजों का ढेर नजर नहीं आता था, पूरा टेबल साफ रहता था। वो हर चिट्ठी का जवाब अपने हाथ से लिखते थे, पार्टी दफ्तर में स्टाफ था, टाइपिंग भी था उस समय, कंप्यूटर तो नहीं था उस समय लेकिन टाइपिंग व्यवस्था थी, लेकिन वो स्वयं के हाथ से चिट्ठी लिखते थे। मैं मानता हूं शायद देश में अनेक कार्यकर्ता होंगे जिनको केदारनाथ जी के हाथ से लिखी हुई चिट्ठी अवश्य उनके पास होगी। ये उनका जो पर्सनल टच वाला
अप्रोच था। संगठन शास्त्र की यह सबसे बड़ी नींव थी, क्योंकि संगठन शास्त्र व्यवस्था आधारित नहीं होता है, संगठन शास्त्र पूरा अपनत्व आधारित होता है। व्यवस्था तो उसको आगे चलाने के लिए काम आ जाती है, लेकिन संगठन की जड़ें जन्मों से का सीमेंटिंग फोर्स होता है वो अपनत्व होता है। केदारनाथ जी के व्यक्तित्व में वो अपनत्व की महक हम अनुभव कर रहे हैं। आज केदारनाथ जी का जो इस पर कई लोगों ने लिखा है, मैं देख रहा था शीला दीक्षित जी ने अपने अनुभव लिखे हैं। शीला जी ने लिखा कि दिल्ली में बिजली का संकट था, प्राइवेटाइज करने की दिशा में जाना था, तो शीला जी ने सोचा कि किससे बात करूं, तो उन्होंने केदारनाथ जी से बात की और उनसे सलाह ली कि आपको क्या लगता है ऐसा एक विचार विमर्श करना है तो क्या लगता है। तो केदारनाथ जी ने उनको कुछ लोगों के नाम सुझाए कि इनसे मिल सकते हैं, खुद ने अपने ओपिनियन बताया कि आपको ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। और शीला जी ने लिखा है कि उस समय मुझे केदारनाथ जी की सलाह इतनी काम आई कि मैं बहुत सरलता से इस निर्णय को कर पाई। उसी प्रकार से दिल्ली में ऑटोमोबाइल में सीएनजी पर शिफ्ट होना था, सुप्रीम कोर्ट रोज डंडे मार रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से रोज सुनवाई होती थी, बताइए कब तक करोगे कब तक करोगे, ऐसा चल रहा था। तो शीला जी ने लिखा है कि ऐसे समय मैंने केदारनाथ जी का संपर्क किया, उनसे जानकारी पाई मैं ऐसे स्थिति में क्या करूं, और केदारनाथ जी ने मुझे जो मार्ग दिखाया मैंने तय किया हाँ इसी रास्ते पर मैं जाऊंगी और मैं उस काम को कर पाई। ये बात इस बात का द्योतक है कि सार्वजनिक जीवन में आखिरकार हम किनके लिए है, क्यों है, दल से बड़ा देश है और इसलिए निर्णय उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी उनका अच्छा होगा तो क्या होगा, नहीं दिल्ली का भला होगा। शीला जी ने पूछा है तो उनको सही बात बतानी चाहिए, ये केदारनाथ जी की सोच हुआ है। आपातकाल के पूर्व गुजरात में एक चुनाव थे, जनता मोर्चा बना था, उसमें जनसंघ भी उस समय उसमें सहभागी था, और वो चुनाव ऐसा था कि देश में एक अलग माहौल बना था। 67 के बाद पहली बार 74 में एक नई करवट बदली थी देश की राजनीति ने, और गुजरात उसका एपिक सेंटर बना हुआ था, नवनिर्माण आंदोलन चला था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उसके बाद सरकार को जाना पड़ा था करप्शन के मुद्दे पर और चुनाव हुआ था। वो चुनाव की विशेषता ये थी कि आज जिन जिन को आप बड़े बड़े नेता हम सुनते हैं वे सारे लोग कोई 20 दिन कोई 25 दिन कोई 30 दिन गुजरात में आकर के रहे थे, और एक व्यक्ति एक असेंबली सीट देखता था, अडवाणी जी भी एक महीना रहे थे जूनागढ़ में आकर के। आप कल्पना कर सकते, उस समय केदारनाथ जी आए थे तो वो भी पूरा समय वहां चुनाव की व्यवस्था देखते थे। मैं तो उस समय राजनीति में नहीं था, लेकिन एक अभ्यासु स्वभाव के नाते चीजों को देखता था, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या कर कैसे कहां है, हाल काल क्या है, तो एक विद्यार्थी के रूप में उन चीजों को मैं देखता था। उस समय भी केदारनाथ जी ने उन परिवारों में ऐसी अमिट छाया छोड़ी थी, और उस समय सरकार बन गई जनता मोर्चा की, जनसंघ के लोग सत्ता में हिस्सेदार बने, और वो पहली सरकार थी हमारे मकरंद भाई देसाई, उसमें एक मिनिस्टर थे जो केदारनाथ जी के बड़े अच्छे सहयोगी रहे आखिर तक। तो एक किस प्रकार से परिवर्तन के लिए कार्यकर्ता के नाते कैसी भूमिका अदा की जाती है और संगठन कैसे विकसित होता है और होता है सार्वजनिक जीवन में। अभी सुरेश जी बता रहे थे जैसा उनका व्यक्तित्व, उनके सफेद कपड़ों की तरह सफेद व्यक्तित्व, कोई दाग नहीं था। सार्वजनिक जीवन में देश के लिए जीने मरने वाले लोगों के लिए ये प्री कंडीशन होनी चाहिए कि भाई देश के लिए जीने का मतलब है कि आपका जीवन बेदाग होना चाहिए, लेकिन मूल्यों का ह्रास कैसे हो रहा है, मूल्यों में गिरावट कैसे आ रही है,
एक समय था लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यक्तिगत जीवन में भी सहन करना पड़े तो करते थे, ठीक है तुमको नहीं करना तो मत करो, मैं इसके बिना चला लूंगा लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, ऐसा एक वक्त था इस देश में। फिर वक्त बदला, जब वक्त बदला तो ऐसे बदला, चलो यार हम कहां दुनिया को सुधारने जाएंगे, चलो यार मेरा कर ले, ले ले चल भाई यार मेरा काम पूरा कर, कॉम्प्रोमाइज शुरू हुआ। फिर एक वक्त ऐसा आया, बदलाव मूल्यों में गिरावट कैसे आती है कि भाई चलो यार अब करप्शन को एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है, चलिए है जीवन का हिस्सा हो गया है। मैं देख रहा हूं कि दुर्भाग्य कि आज सार्वजनिक जीवन में ये हिम्मत आ रही है कि करप्शन के पक्ष में भाषण लोग कर पा रहे हैं, करप्शन के पक्ष में, काले धन के पक्ष में खुलेआम मैदान में उतर रहे हैं। किसी भी देश के लिए मूल्यों का जो पतन होता है वो सबसे बड़ा संकट होता है। जो आज 80 साल की उम्र के होंगे उनके जमाने में भी जब स्कूल की एग्जाम होती होगी, कॉलेज की एग्जाम होती, हो सकता है शायद एक आध चोरी करता होगा, लेकिन वो भी छुप छुप के चोरी भी चोरी से करता होगा, ये भी देखता होगा अगल बगल वालों को पता ना चले कि मैं कहां देख रहा हूं, कहां से कागज। वो एक मोरल प्रेशर में जीता था, उसको एक प्रेशर रहता था यार मैंने इसकी कॉपी कर ली, उसको टेंशन रहता था। धीरे धीरे वक्त आया, हाथ में लिख करके जाता था, ऐसा करके लिखते थे, थोड़ा वक्त बदल गया, चोरी एग्जाम में करने से वो मजबूरन कैरियर कर लेता था, लेकिन फिर भी ये चाहता था दुनिया को पता ना चले, किसी को पता ना चले, घर में भी किसी को पता ना चले, टीचर को पता ना चले। वक्त इतना बदलता गया कि वो टेबल पे छुरा रखता है और देखता हूं कौन आज सुपरवाइजर है, मैं तो ये लिखूंगा, खिड़की से मंगवाऊंगा, अब तो मोबाइल फोन है तो एसएमएस से आ जाता है। ये जो मूल्यों का पतन है, जाओ हो कर लो हम पे बैठे, आज इस देश का दुर्भाग्य है कि एक छोटा सा क्यों ना एक वर्ग उभर करके सामने आने की हिम्मत कर रहा है कि जो करप्शन और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के सामने कहता है नहीं मैं तो करप्शन और काले धन वालों के साथ खड़ा रहूंगा। ऐसे समय भविष्य का विचार करते हुए हमारी भावी पीढ़ियों का भला करने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज मानसिकता के सामने खड़े होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और केदारनाथ जी उस प्रकार से जिए थे, और आज जब केदारनाथ जी के इन दो ग्रंथों का हम लोकार्पण कर रहे हैं तब हम भी उस संकल्प को लेकर के चले, लड़ने की ताकत ना हो ऐसे लोग तो हो सकते हैं, लेकिन बुराइयों का झंडा लेकर के निकल पड़े ऐसे लोग समाज के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करते हैं। और ये समाज को बताना होगा, समाज को प्रशिक्षित करना होगा, मजबूरन के कारण समाज में कोई एक छोटा सा तबका विकृतियों के आगे झुकना पड़ा हो उसको तो समाज माफ कर सकता है, लेकिन पीढ़ियां उन लोगों को कभी माफ नहीं करती हैं जो मूल्यों के साथ द्रोह करते हैं। हम सब लोग उन संस्कारों से पले बढ़े हुए लोग हैं जो आदर्शवाद से प्रेरित है, संगठन आधारित है और राष्ट्रहित को समर्पित है। यही हम लोगों की विशेषता रही है, ये हमारी पहचान रही है, यही हमारे जीन्स है।
उन मूल्यों के आधार पर चलने वाले हम लोग केदारनाथ जी जैसे लक्षावधि कार्यकर्ता, उन्हीं की बदौलत तो आज मूल्यों की चर्चा करने का साहस हो पा रहा है, मूल्यों के जतन के लिए निकलने का साहस हो पा रहा है। और ये मजबूत नींव डालने का काम केदारनाथ जी जैसे अनेक उत्तम कार्यकर्ताओं ने अपने पीछे जो विरासत छोड़ी है उसके कारण संभव है। और इसलिए आज केदारनाथ जी का पुण्य स्मरण करते हुए विशेष रूप से महेश जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि इस काम को उन्होंने बहुत बखूबी पूरा किया, एक अच्छा काम किया। मेरे मन में विचार आया था फिर एक काम दे देता हूं आज तुम्हें। सहनी जी का परिवार को मैं कुछ न कुछ काम बताता रहता हूं। खोजना चाहिए केदारनाथ जी के द्वारा लिखी हुई चिट्ठियों को, कहीं से हम संग्रहित कर सकें। बहुत चिट्ठी लिखते थे, हाथ से लिखते थे, उसमें भी एक पूरा संगठन शास्त्र को समझने का अवसर मिल सकता है। अगर कोई कोशिश करे और मिल जाए 200-500 चिट्ठी भी इकट्ठी करेंगे देखिए आप। अच्छा, उसके साथ एक इतिहास का वृत्त भी मिल जाता है, परिस्थिति का बयान भी मिल जाता है, और उसमें कोई एडिटिंग नहीं होता है, उस समय जो हुआ वही होगा। उसमें चिट्ठी की एक ताकत होती है, चिट्ठी वर्तमान से जुड़ी रहती है, वो भविष्य के लिए लिखी गई होती नहीं है। वो बहुत कम लोग होते हैं कि जो इतिहास के जरोखों में अपने आप को बनाने के लिए किसी से लिखवा करके फिर साइन करते होंगे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो ऐसा काम मैं चाहूंगा कि परिवार के लोग थोड़ा इसको भी देखें। मैं सहनी जी के परिवार को भी इस बात के लिए, क्योंकि इस विचार को आगे बढ़ाया, सबने मिलकर के बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद।